के सेक्स कॉन्टेस्टेंट का फूटा एमसी स्टैन और शिव पर गुस्सा। शालीन को कर रहे हैं ये काफी ज्यादा सपोर्ट। कौन है वो बिग बॉस के एक्स कॉन्टेस्टेंट? किसने कह दिया है कि एमसी स्टैन और शिव ठाकरे को निकाल फेंको बाहर? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं स्निग्धा, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। तो बिग बॉस के घर में हमने देखा कि कैसे घमासान मचा है। टीना के पैर में चोट लगी, जहां से शुरू हुई सारी फसाद, जहां शालीन ने बचाने की कोशिश की, वेल प्रोटेक्टिव होने लगे तो एमसी स्टैन वहां आए। एमसी स्टैन ने गाली गलौज शुरू कर दी तो शालीन को आया गुस्सा। शालीन ने एमसी स्टैन का मुंह पकड़ लिया और वहीं एमसी स्टैन भी काफी भड़क गए, जिसके प्रोटेक्शन में शिव आ गए और शिव ने फिर शालीन को दबोचा। तो ये पूरा मामला हुआ जिसके ऊपर ये सारे कांड और फसाद बढ़ते गए, गुस्सा नाराजगी सब बढ़ता गया। अब इसी को देखते हुए जो मैटर जो निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिल रही है कि शालीन और को सपोर्ट कर रहे हैं बिग बॉस के एक्स कॉन्टेस्टेंट, और वो कौन है? वो है राहुल वैद्य। वो उनका कहना है कि शालीन के साथ जो हुआ वो बिल्कुल गलत है, खासतौर पर एमसी स्टैन और शिव ने जो हरकतें की हैं उसके बाद इन दोनों को बिग बॉस के घर से बेघर कर देना चाहिए, बिकॉज फिजिकल वायलेंस इज नॉट एट ऑल अलाउड। और सबसे पहले प्रोवोकिंग बातें यानी कि गाली गलौज और फिजिकल होना एमसी स्टैन और शिव ने ही शुरू थी। इस हिसाब से देखा जाए तो राहुल वैद्य का कहना है कि एमसी स्टैन एंड शिव ठाकरे को बिग बॉस के घर से बेघर कर दिया जाए। शालीन के सपोर्ट में उतरे हैं राहुल वैद्य। तो बेसिकली राहुल वैद्य की ये स्टेटमेंट्स हैं। राहुल वैद्य ने बताया है कि यहाँ पर जो मामले हुए वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ सुंबुल जो है एक बार फिर जोकर की तरह एनैक्ट करती हुई आई नजर। राहुल वैद्य को सुंबुल की हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आई हैं और उन्हें शिव और स्टैन का यूं भड़कना और यूं फिजिकल होना वो भी पसंद नहीं आया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई मेकर्स राहुल वैद्य की बातों पर एग्री करेंगे। क्या वाकई एमसी स्टैन और शिव ठाकरे दोनों ही हो जाएंगे बिग बॉस के घर से बेघर? आपके क्या है रिएक्शन इस पर हमें बताएं कमेंट करके। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल।